kids, how are you all? Hope you are doing good. Welcome to our EVS Learning. Kids, today we shall learn about importance of education and hard work in our life. In this chapter, we shall learn about a girl, Anita Kushwaha, who wants to study and progress in her life. Let's see how Anita struggles for going to school and changes her life. So, let's begin. So kids, this is our first page of chapter number 5th, Anita and the Honeybees. So let's begin. My name is Anita Kushwaha. I live in Bochaha village. This village is at Muzaffarpur district in Bihar. So ye ek ladki jiska naam hai Anita Kushwaha, wo Bochaha village mein rehti hai. Aur ye Bochaha village jo hai wo Muzaffarpur district mein Bihar mein aaya hai. So let's locate ke ye Bihar kahan hai India ke map mein. Okay? सो ये इंडिया का मैप है और हम बिहार को लोकेट करेंगे. सो सी दिस इज बिहार. ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू. आई स्टे विद माय पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर्स. आई स्टडी इन कॉलेज. बिसाइड्स स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन. आई आल्सो कीप हनी बीज. शी इज टेलिंग कि मैं अपने पेरेंट्स और यंगर ब्रदर्स के साथ रहती हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ती भी हूँ, लेकिन स्टडिंग के अलावा मैं यंग चिल्ड्रन को पढ़ाती हूँ और मैं हनी बीज को रखती हूँ. ऑल दीज हैव नॉट बीन ईजी फॉर मी. वेन आई वॉज यंग आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई गोड्स एज दे ग्रेस्ड फॉर फूड. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल. सो शी इज़ टेलिंग के ये सब चीज़ें मेरे लिए इतनी ईजी नहीं थी, मुझे इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. जब मैं यंग थी तब मैं अपना पूरा टाइम गोट्स के साथ बिताती थी, बिकॉज गोट्स जो है वो उनको फूड ग्रेसिंग कराने के लिए लेके जाती थी मैं. और मुझे पढ़ने का शौक था, पर मेरे पेरेंट्स को ये गर्ल्स का स्कूल जाना ये आइडिया थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा. सो मैं ये काम करती थी. स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले तुमको ये बता दूँ कि ये जो स्टोरी हम रीड कर रहे हैं वो एक ट्रू स्टोरी है. अनीता कुशवाहा एक आइडियल बन चुकी थी गर्ल्स के लिए, जिसने अपनी लाइफ चेंज कर दी स्कूल जाकर, और ये उसका नाम गर्ल स्टार में इंक्लूड हो गया. ये गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है जो इंडियन लड़की लोगों को रियलाइज़ करवाता है कि एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये मल्टी मीडिया प्रोजेक्ट है इंडिया में. ओके, सो ये एक साधारण लड़की लोगों को एनकरेज करता है कि एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है. इन शॉर्ट, दिस प्रोजेक्ट इंस्पायर्स गर्ल्स टू स्टे इन एजुकेशन. नाउ लेट्स कंटिन्यू अबाउट अनीता कुशवाहा. अ ड्रीम ऑफ स्कूल. वन डे आई रीच द स्कूल एंड साइलेंटली सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. I felt so happy. When I came back home and collected courage to talk to my parents about school, but they clearly told me not to go to school, I cried a lot. Anita को स्कूल जाने का बहुत पसंद था. सो एक दिन वो स्कूल में जाके पीछे छुपके से बच्चों के पीछे बैठ जाती है और उसे बहुत खुशी मिलती है जब वो स्कूल में जाके बैठती है. तो वो करेज लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाती है और बोलती है कि मुझे स्कूल जाना है, पर उसके पेरेंट्स उससे क्लियरली मना कर देते हैं कि नहीं, तुम स्कूल नहीं जाओगी, और वो बहुत रोती है. वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज केम टू नो अबाउट दिस एंड ही एक्सप्लेन्ड टू माई पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन. द टीचर ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8. The teacher said that it is the basic right of every child to go to school. My parents agreed and I started going to school. I was not so intelligent, but I always asked questions. So, उसके विलेज में जो एक टीचर थे वो आके अनीता के पेरेंट्स को समझाते कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टीचर उनको ये भी बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी फ़ीस या कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है क्लास 8 तक. आपको पता है ना राइट टू एजुकेशन का रूल है, RTE जिसको हम बोलते हैं, राइट. सो टीचर ने बोला कि एक बेसिक राइट है हर बच्चों का, चाहे लड़की हो या लड़का, उसे स्कूल जाना चाहिए. सो मेरे पेरेंट्स बाद में अग्री करते हैं. शी इज़ टेलिंग दैट मेरे पेरेंट्स बाद में अग्री करते हैं और मैं स्कूल जाना शुरू कर देती हूँ. वो बोलती है मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पर मैं मेरे में क्यूरियोसिटी होती है, मैं हर बार क्वेश्चंस पूछती हूँ.
studies continued. I passed class 5th. I knew that the cost of my study would increase now. My parents were not ready for my education, but I wanted to study. I started to teach young children. From that money, I continued my study. अब वो बोल रही है कि मेरी मैंने क्लास 5th पास कर लिया, अब मेरा जो स्टडी का कॉस्ट था वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, बिकॉज बुक्स एंड ऑल का जो कॉस्ट रहता है वो इंक्रीज़ हो गया. तो मेरे पेरेंट्स अब रेडी नहीं थे, उन्होंने मुझे बोला तू स्कूल छोड़ दे. लेकिन मैं स्कूल में पढ़ना चाहती थी, मैं एजुकेशन लेना चाहती थी. तो उसने यंगर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर वो पैसे से उसने आगे अपना पढ़ाई शुरू कर दी. Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the household work so that I could get more time to study. अब वो धीरे धीरे सारे पेरेंट्स को विलेज में जाके बोलने लगे कि अपनी बच्चियों को स्कूल भेजो, स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट है. और मेरे पेरेंट्स भी मुझे हेल्प करने लगे इस काम में. मेरी मॉम घर का सारा काम करती थी तो मुझे पढ़ाई करने का टाइम मिल जाता था. सो दिस वे शी कंटिन्यूड हर स्टडी. नाउ लेट्स सी आगे क्या है. बी कीपर. देर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया. हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स. सो मैनी पीपल डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग. गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर दैट. आई जॉइंड दिस ट्रेनिंग. I was the only girl in this. Honeybees lay their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. Now Anita हमें beekeeper के बारे में बता रही है कि ये beekeeper क्या है और उसने कैसे ये job ले लिया. So ये जो वहाँ पे है ना, बहुत सारे लीची trees है और honeybees जो है ना वो हमेशा लीची flowers के ऊपर attract होते हैं. तो यहाँ के लोग है ना beekeeping का job बहुत करते हैं और government भी ना training देती है लोगों को कि ये beekeeping किस तरह से करने का. और अनीता ने ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली. और पता है इस ट्रेनिंग में अनीता एक अकेली लड़की थी. अमेजिंग ना. सो वो बोल रही है कि उसने ये ट्रेनिंग में एक चीज़ सीखी कि हनी बीज जो है ना वो अपने एग्स अक्टूबर से दिसंबर मंथ में ले करते हैं. स्टूडेंट्स डू यू नो कि हर बी हाइव में एक क्वीन भी होती है जो एग्स ले करती है. और मोस्ट ऑफ द बीज जो होती है हाइव में वो वर्कर बीज होती है. ये पूरा टाइम वर्क करती रहती है होल डे और यू नो हनीज जमा करने का काम करती रहती है. और ये जो अक्टूबर टू दिसंबर का जो मंथ है ना वो बेस्ट टाइम है बी कीपिंग स्टार्ट करने के लिए. स्टूडेंट्स ये जो हनी बीज होते हैं दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स. दे कलेक्ट नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी. व्हेन एनी बी फाइंड्स फ्लावर्स विद नेक्टार इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टार इज. द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव. विदाउट देम देर वुड बी नीदर हाइव नॉर एनी नेक्टार कलेक्शन. ऑल द बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री. स्टूडेंट्स ये जो हनी बीज होते हैं ना ये लोग क्या करते हैं फ्लावर्स पे जाते हैं. फ्लावर की स्वीट स्मेल से लोग है ना अट्रैक्ट होते हैं और वो है ना नेक्टार को कलेक्ट करते हैं अपने स्टमक में. तो अब अगर हम इसकी बात कर ही रहे तो मैं तुमको बता दूँ कि ये लोग फिर क्या करते हैं. उनके स्टमक में कलेक्ट करने के बाद ये लोग है ना प्रोसेसर बीज के पास जाते हैं जो हनी कोम में रहती है और कलेक्ट किया हुआ नेक्टार वो लोग ये प्रोसेसर बीज को ट्रांसफ़र करते हैं. और ये प्रोसेसर बीज जो रहती है वो हनी कोम सेल्स को फिल कर देती है. लेकिन ये अभी भी हनी रेडी नहीं है बिकॉज इसके अंदर पानी रहता है. तो पानी इवापरेट करने के लिए सारी हनी बीज इकट्ठा होती है और अपने विंग्स को फ्लैप करती है तो उसमें हीट जमा होती है और पानी इवापरेट हो जाता है. एंड फाइनली ये जो बीज रहती है वो अपने सेल को सील कर देती है वैक्स कैप से और फिर हमारा यम्मी हनी रेडी हो जाता है. सो स्टूडेंट्स हनी बनाने का प्रोसीजर समझ में आ गया. इट्स ऑल साइंस. ओके सो नाउ कमिंग बैक टू अनीता खुशवाहा स्टोरी.
becoming a beekeeper. I completed my beekeeping course, but I need more money to start work. I continued to teach and collected 5,000 rupees. With this money, I bought 2 boxes for keeping bees. Each box cost rupees 2,000. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicine to clean the beehives. नाउ अनीता ने अपना बी कीपिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया है. अब उसे और पैसे चाहिए अपना वर्क चालू करने के लिए. तो उसने क्या किया, अपना टीचिंग जो है वो यंगर चिल्ड्रन को पढ़ाना कंटिन्यू रखा और उससे उसने 5,000 रुपीज़ कलेक्ट किया. उससे उसने 2 बॉक्सेस लिए बीज कीपिंग करने के लिए और ईच बॉक्स जो है वो 2,000 का उसको पड़ा. अब जो दूसरे पैसे थे, जो बचे हुए पैसे थे, उसने उससे शुगर सिरप लाया हनी बीज के लिए और मेडिसिन ली ताकि वो बी हाइव्स को क्लीन कर सके. दैट वॉज इन सेप्टेम्बर. बाय डिसम्बर आई हैड सो मैनी बीज, स्टिल आई हैड टू बाई 2 मोर बॉक्सेस. आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग. मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वॉलन. इट वुड पेन अ लॉट. I cannot complain to anybody because I myself had decided to do this work. So she is telling के ये तो सितंबर की बात है, दिसंबर में तो मेरे पास बहुत सारी बीज हो गई थी और मुझे और 2 मोर बॉक्सेस लेने थे. अब वो अभी भी बी कीपिंग का लर्न कर रही थी. बहुत टाइम जो है वो बीज उसके हैंड को स्टिंग करती है. आपको पता है ना, बीज बाइट करती है, राइट, स्टिंग करती है, और उसका फेस और हैंड्स जो है वो पूरा स्वॉलन हो जाता था. स्वॉलन मतलब सूज जाता था और उसे पेन भी बहुत करता था. लेकिन अब क्या करे, वो किसी को कंप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि उसने खुद ही डिसाइड किया था कि ये वो काम करके रहेगी. On the lychee trees, flowers have bloomed in February. I put all my boxes near the lychee orchards. I collected 12 kg of honey from each box. I sold this honey in the market. That this was my first earning from bees. Now I have 20 boxes. सो बोल रही है फेब्रुअरी मंथ था और लीची फ्लावर्स, लीची की ट्रीज़ पे जो फ्लावर्स थे वो ब्लूम होना शुरू हो गए और मैंने अपने सारे बॉक्सेस जो है वो लीची के और चार्ज में मतलब ट्रीज़ के आसपास रख दिए. मैंने ईच बॉक्स से 12 किलो हनी कलेक्ट किया और मैंने ये हनी मार्केट में बेचा और मेरी ये पहली कमाई थी बीज के थ्रू. अब मेरे पास 20 बॉक्सेस है. एवरी डे आई गो टू college on cycle. My college is 5 kilometers away in the town. Now you also know a lot about Anita. कहती है कि मैं हर रोज़ कॉलेज जाती हूँ साइकिल पे और मेरी कॉलेज जो है वो 5 किलोमीटर्स दूर है मेरे टाउन से. और अब तो स्टूडेंट्स, आप सबको अनीता के बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी, किस तरह से उसने स्ट्रगल किया, राइट. नाउ अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय. अनीता को अब सब जानते हैं. शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she has to do. Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for the honey. Anita har ek meeting mein jati hai gaon mein aur samjhati hai ki study karna kitna important hai aur apne bachcho ko bhi study karwao. Lekin log uska mazak udate hai, bolte ye aurat logo ka kaam nahi hai, aisa nahi hota. Lekin Anita ko pata hai ki wo kya kar rahi hai. Anita ko wholesaler banna hai. Students, ye wholesaler kya hota hai pata hai? ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें है ना लार्ज क्वांटिटीज़ में हम गुड्स बेच सकते हैं पर प्राइस जो होती है उसकी लो होती है और ये बहुत हेल्प करता है आउटपुट और प्रोडक्टिविटी के लिए. तो ये था होलसेल मार्केट और होलसेलर उसको बोलते हैं जो इसको सेल करता है. ओके, तो अनीता को होलसेलर बनना था ताकि वो विलेजर्स को हेल्प कर सके राइट प्राइस फॉर देयर हनी के लिए. Now students, there is some more information. They are saying that ants live and work together like honeybees. The queen ant lays the eggs. The soldier ants look after and guard the ant hill. Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the ant hill. Termites and wasp also live like this. So लोग बोल रहे हैं जैसे हनी भी एक दूसरे के साथ रहती है वैसे क्वीन एंट भी रहती है जो एग ले करती है और जो सोल्जर एंट रहती है वो एंट हिल को गार्ड करती है. वर्कर एंट्स जो रहती है वो फूड को लेके आने में, सर्च करने में, एंट हिल तक लेके आने में हेल्प करती है. वैसे ही टर्माइट्स यानी दीमक और वास्प
यानी ततैया, जिसको आज्ञा भी बोलते हैं गुजराती में. सो ये भी इसी तरह से अपना वर्क करते हैं. सो किड्स, वी लर्न अबाउट अनीता हु ओवरकम्स ऑल द डिफिकल्टीज सो दैट शी कुड स्टडी. किड्स, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट एज इट इम्प्रूव्स आवर पर्सनल लाइफ एज वेल एज इट हेल्प्स टू रन द सोसाइटी स्मूथली. So students, if you want to be successful, remember, education is the key to success. Hope you have understood this chapter. Bye, take care, have a wonderful day.